हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फाइनाइट डिफरेंसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके फोर प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फाइनाइट डिफरेंसेस का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट, ब्रैकेट में है डेल्टा स्क्वायर बाय ई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 6x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहां पे ये इक्वेशन में ये जो डेल्टा स्क्वायर लिखा है, डेल्टा माने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है और जो ई है ई माने शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो अगर ये दोनों की जानकारी आपको है तो आप ये प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलो या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलो या शिफ्ट ऑपरेटर या इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, इनके ऊपर ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज अपलोड किए थे, वो वीडियोज आप देख लीजिएगा और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसका भी हमने वीडियो इसके पहले अपलोड किए थे, तो वहां से आप वो पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, देखिए LHS। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा स्क्वायर बाय ई और ब्रैकेट के बाहर है एक्स क्यूब। तो चलो अब हम एक काम करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए अगर सॉल्व करना है तो देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 6x है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में ना डेल्टा है ना ई है। ऐसे में यहाँ पे हमें डेल्टा और ई को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो डेल्टा है डेल्टा को हम ई के फॉर्म में लिखेंगे। तो डेल्टा और ई का रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन ऐसा है, डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस वन होता है। ये रिलेशन है जो हमने आपको इसके पहले बताए थे। तो चलो यही रिलेशन का यूज करेंगे, डेल्टा के जगह ई माइनस वन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ई माइनस वन का स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ई एज इट इज रहेगा। और फिर ये ब्रैकेट का, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे एक्स क्यूब इस तरह से, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर में ई माइनस वन स्क्वायर है तो चलो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स हम यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन। तो ये हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपांशन कर लिए, डिनोमिनेटर में ई है और ब्रैकेट के बाहर है एक्स क्यूब। तो फाइनली ये हमने इस तरह से लिख लिए। और अब यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देखो न्यूमरेटर में भी ई है और डिनोमिनेटर में भी ई है, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे हम ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाए। हम इसको लिखेंगे ई स्क्योर बाई ई माइनस टू ई बाई ई प्लस वन बाई ई। हमने क्या किए, यहां पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिए, ये देखिए डिनोमिनेटर को हमने स्प्लिट किए। तो यहां पे ई स्क्योर बाई ई अलग है, टू ई बाई ई अलग है और वन बाई ई अलग है। और अब यहां पे आसानी से ये देखिए, ये ई और ई कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे भी ये ई और एक जो है यहां पे पावर टू है तो उसमें से एक ई कैंसिल हो गया और ये जो वन बाई ई है ये एज इट इज है और बाहर में एक्स क्यूब है। तो चलो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा सबसे पहले यहां पर एक ई कैंसिल हो गया तो एक ई बचा है, देन यहां पर माइनस टू बचा तो हम लिखेंगे माइनस टू, और यहां पे प्लस वन बाई ई बचा तो वन बाई ई को आप ई इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और बाहर में क्या है, बाहर में है एक्स क्यूब, देखिए ओके बाहर में एक्स क्यूब है। ये जो वन बाई ई है इसको हमने ई इनवर्स लिखे, ठीक है। यहां पे सिर्फ टू बचा है वो है यहां, और यहां पे एक ही कैंसिल हो गया तो यहां। तो अब हम इतना होने के बाद क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर एक्स क्यूब है एक्स क्यूब से तीनों यहां पर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा ई इंटू एक्स क्यूब माइनस टू इंटू एक्स क्यूब प्लस ई इनवर्स इंटू एक्स क्यूब, ऐसा हमने यहां पे लिख दिए। और अब हम यहां पे शिफ्ट ऑपरेटर और इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे जहां पे भी आपको ई दिख रहा है, ई माने हमने स्टार्टिंग में ही कहा था ई माने शिफ्ट ऑपरेटर होता है, लेकिन यहां पे ई इनवर्स भी दिखाई दे रहा है। ई इनवर्स माने क्या, तो ई इनवर्स माने इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। तो E और E इनवर्स यहां पे लगे हैं, इसका मतलब यह है अगर हम यहां पे उसका फार्मूला लगाएं तो फार्मूला लगाने के बाद क्या होगा, देखिए x क्यूब के सामने E है तो ये हो जाएगा x प्लस वन क्यूब ऐसा, और यहां पे E इनवर्स और यहां पे x क्यूब है तो यहां हो जाएगा x माइनस वन क्यूब ऐसा,
और ये जो माइनस टू एक्स क्यूब है ये एज इट इज रहेगा, ये जो माइनस टू एक्स क्यूब है ये हमने एज इट इज लिख दिए। और अब ये स्टेप समझने की बारी है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई तो पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि x प्लस वन कहां से आया और यहां x माइनस वन कहां से आया। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको ये प्रॉब्लम के लिए शिफ्ट ऑपरेटर की जानकारी होना चाहिए, तो शिफ्ट ऑपरेटर का रूल ऐसा है कि अगर कोई फंक्शन को शिफ्ट ऑपरेटर लगता है तो वो फंक्शन में जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू एक इंटरवल से इंक्रीज होता है। ये शिफ्ट ऑपरेटर का रूल है। देखो यहां पे e ऑफ x क्यूब लगा है, e का पावर क्या है, e का पावर 1 है, e ऑफ x क्यूब, इसका मतलब ये x क्यूब के आगे जो e लगा है तो x क्यूब में जो आर्गुमेंट है इट मींस जो x है उसका वैल्यू आपको एक इंटरवल से इंक्रीज करना है। तो x का वैल्यू एक इंटरवल से इंक्रीज हो गया तो x हो गया x प्लस वन, ठीक है, पहले x था और अब हो गया x प्लस वन क्योंकि हमने उसमें एक इंटरवल ऐड किए। हमने एक इंटरवल क्यों ऐड किए, क्योंकि e का पावर 1 है, e का जो पावर है उसको देख के आपको इंटरवल ऐड या सबस्ट्रैक्ट करना होता है। e का पावर अगर 1 है तो आपको एक इंटरवल से इंक्रीज करना है, e का पावर अगर 2 है तो आपको दो इंटरवल से इंक्रीज करना है, 3 है तो आपको 3 इंटरवल से इंक्रीज करना है, इस तरह से होता है। तो यहां पे e का पावर 1 है इसलिए हमने यहां पे x का वैल्यू एक इंटरवल से इंक्रीज किए, इसलिए x की जगह यहां पे x प्लस 1 आ गया और फिर x प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि यहां पे x क्यूब है तो x प्लस 1 का क्यूब, ओके। देन ये जो टर्म है वो तो वही का वही है, और यहां पे देखो यहां पे क्या है, यहां पे देखो e का पावर माइनस 1 है, अगर यहां e का पावर माइनस 1 है तो यहां पे x इट मींस जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू एक इंटरवल से डिक्रीज करना है, क्योंकि अभी हमने आपको कहा था x का पावर देख के आपको इंटरवल ऐड या सबस्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहां पे e का पावर माइनस 1 है तो यहां पे जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू एक इंटरवल से डिक्रीज करना है, इसलिए हमने x माइनस 1 किए। e इनवर्स जो है, e इनवर्स को इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये स्टेप समझ में आ गया ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड में जो 6x है वो हम लेके आएंगे। तो ये कैसे लाएंगे, देखिए काफी सिंपल है, हम यहां a प्लस बी क्यूब और यहां a माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो हम आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, a प्लस बी क्यूब और a माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो हम फार्मूला यहां पर लिख के देते हैं, अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो आप अभी के अभी नोट पैड में लिख के रखो। तो सबसे पहले हम a प्लस बी का फार्मूला लिख के देते हैं, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला, देखिए फार्मूला ऐसा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फार्मूला है a प्लस बी क्यूब का। और a माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो है इसी में आपको थोड़े बहुत चेंजेस करना है। तो देखो a क्यूब एज इट इज रहेगा, यहां माइनस आ जाएगा 3a स्क्वायर b, यहां तो एज इट इज रहेगा प्लस 3ab स्क्वायर और यहां पे माइनस आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपके सामने आ गया है a प्लस बी क्यूब और a माइनस बी क्यूब का। तो चलो यही फार्मूले का यूज करके हम ऊपर की इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे। फार्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां हर जगह प्लस प्लस है और यहां माइनस प्लस माइनस ऐसा है, ठीक है। तो यहां पे हम a प्लस बी क्यूब लगाएंगे और यहां a माइनस बी क्यूब लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपांशन। चलो हम यहां से लिखते हैं, यहां पे a प्लस बी क्यूब लगाओ तो ये होगा दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमने यहां पे a प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिए, तो यहां पे ये x जो है वो a के प्लेस पे है और 1 जो है वो b के प्लेस पे है। तो यहां पे x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा हमने फार्मूला लगाया। देन माइनस, यहां पे माइनस लगा दो, ये 2x क्यूब जो है वो एज इट इज है और ये प्लस, यहाँ पे ये यहाँ पे a माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, इट मीन्स हमें इस हिसाब से एक्सपेंशन करना है। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हम सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस 1, क्योंकि हमने कहा था कि आपको माइनस प्लस माइनस ऐसा लिखना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक एक्सपेंशन कर लिए जिसमें माइनस प्लस माइनस लगाना जरूरी है, देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इस तरह से। तो फाइनली हमने दोनों फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं, और अगर हम यहाँ देखें बिना ब्रैकेट के यहाँ पे अगर हम लिखें तो देखो बिना ब्रैकेट के ये ऐसा रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमने पूरा इक्वेशन बिना ब्रैकेट के लिखे हैं। और अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, इतना आपको दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, तो ये हम लिखेंगे 2x क्यूब, ठीक है। देन ये जो माइनस 2x क्यूब है वो हम यहाँ लिख देंगे,
ओके। और यहाँ पे कैंसिल और क्या हो रहा है, ये देखिए ये 3x² प्लस में ये 3x² माइनस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये प्लस 3x है और ये भी प्लस 3x है, तो वो हो जाएगा 6x, तो ये हम लिखेंगे प्लस 6x। ठीक है, इतना स्टेप समझ में आया। अब यहाँ पे आपको और क्या दिख रहा है, ये देखिए 2x³ कैंसिल हो गया, और अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे 6x बचा, और अगर ये 6x बचा है तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, और अगर हमें राइट हैंड साइड मिल गया इट मीन्स प्रॉब्लम में जो कुछ भी प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ कर लिए। ये देखिए जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा था उसके राइट हैंड साइड में 6x है, 6x हमें मिल गया, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था आज का फाइनाइट डिफरेंसेस का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोज देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।